नमस्कार दोस्तों, सेफ एक्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम लर्न सेफ्टी में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट सीईओ डायरेक्टर की क्या सेफ्टी के प्रति रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सेफ्टी डिपार्टमेंट बिना टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट के कार्य नहीं कर सकता है। सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक सहायक विभाग है और इसके लिए टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट बहुत जरूरी है। जहां पर टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट ना हो, वहां पर कार्य करना व्यर्थ है। तो आइए बात करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टॉप मैनेजमेंट को इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकने के लिए ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट निर्धारित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य प्रणाली के हिसाब से HSE प्लान इफेक्टिव है या नहीं। अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुभवी लोगों को नियुक्त करना चाहिए। ऊपर से नीचे तक हर एम्प्लॉयज की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परिभाषित करना चाहिए। HSE मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए वित्तीय बजट प्रदान करना चाहिए। ऑडिटिंग के माध्यम से HSE के प्रदर्शन को मापें और समीक्षा करनी चाहिए कि क्या सेफ्टी मैनेजमेंट में सुधार किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम लर्न सेफ्टी में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। सेफ एक्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.safeacttv.org पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।